हाय दोस्तों, स्वागत है आपका नथिंग टीम में। मैं आपका होस्ट अजय गुप्ता, और आज ताजा खबर है कि MotoG4 आने वाला है 9 जून को। तो मोटरोला का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहा है कि वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च करता है, साथ ही साथ सेम डे इंडिया में भी डिवाइसेस लॉन्च करता है। तो MotoG4 आएगा इंडिया में 9 जून को। और खास बात इस फोन में ये है कि डिजाइन तो आपका जैसे MotoG3 है, MotoE है, बाकी मॉडल्स हैं, मोटो एक्सप्ले है, करीबन वैसा ही रहेगा, कर्व बैक। लेकिन आप देख सकते हैं इमेजेस लीक हो गई हैं, और इसमें हमारे पास है फिंगरप्रिंट स्कैनर फ्रंट में, जो कि मिडिल बटन के तौर पे होगा, थोड़ा स्क्वेरिश। और पीछे की साइड अगर देखें तो इसमें लेजर ऑटो फोकस दिया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल आजूस के फोनों में ही अवेलेबल है, और फोटो काफी ऑब्जेक्ट पे आप काफी जल्दी फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले होगा, और 16 GB इंटरनल स्पेस, जिसमें माइक्रो SD कार्ड की भी ऑप्शन अवेलेबल होगी, तो आप स्टोरेज स्पेस एक्सपैंड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखना पड़ेगा रैम, ये लोग 2 GB रखते हैं या 3 GB। कैमरे की बात करें, 13 MP का रियर कैमरा होगा, फ्रंट फेसिंग कैमरा, और बैटरी के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, ना ही प्रोसेसर के बारे में कुछ नोन है। तो ये सब देखना पड़ेगा। जहां तक मेरा अनुमान है, लोग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 616 यूज करेंगे, जो कि 615 से बेहतर हल्का सा फास्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हीट नहीं होता। और आज अगर लीक्स की बात कर ही रहे हैं, तो OnePlus 3 भी आने वाला है जून में, और इसमें 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर होगा, जो कि सबसे लेटेस्ट है मार्केट में। 32 GB की इनबिल्ट स्टोरेज स्पेस इसमें देखने को मिलेगी, 4 GB रैम, और 16 MP का रियर कैमरा, और 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। जो अभी तक पिक्चर लीक हुए हैं, ये फाइनल पिक्चर नहीं है, और कंपनी ने बोला है कि एकदम नया डिजाइन लाएंगे। तो देखना पड़ेगा इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर कैसा है। फिलहाल के OnePlus 2 में स्कैनर बिल्कुल स्मूथ नहीं था, अगर 10 बार यूज करते हैं तो उसमें से 8 बार चलता था, 2 बार नहीं चलता था। तो इस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बैटरी अगर क्विक चार्ज फीचर दिया जाए, क्योंकि बैटरी आजकल बड़ी होती जा रही है और ज्यादा कंपनीज क्विक चार्ज फीचर दे रही हैं, ये एक फीचर OnePlus 2 में मिसिंग था। OnePlus 3 में क्विक चार्ज फैसिलिटी और फिंगरप्रिंट स्कैनर इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी, तो ये काफी अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है मिड रेंज और में। फाइनल खबर कि मैगी अपना आटा नूडल फ्लेवर रीलॉन्च कर रही है। स्नैपडील पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पहले 20,000 रजिस्ट्रेशंस को फ्री शिपिंग मिलेगी, आपको शिपिंग के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। फ्लैश सेल के बाद भी आटा नूडल और मैगी के अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन, लेकिन फिलहाल ये फ्लैश सेल में उपलब्ध है। और कल 23 तारीख तक 11 बजे रात के आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी अपडेट्स के लिए देख और मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया, और मैं आपको मिलता हूँ कल। अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।